आगे मत जा रहे हो दादा। ये भाई पीछे 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 मैडम मैडम जरा पीछे आई ले इधर करते समिता मैम यहां पे जरा रुकिए ना पीछे 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 करो ये पीछे जा जा भाई थोड़ा सा पीछे हटेगा तो अच्छा है भाई थोड़ा हट जाओ यार दोनों बड़ी मशहूर अदाकारा है लेकिन आज यहाँ पर सविता एक एक्ट्रेस के तौर पे या फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली करके एक ग्लैमरस चेहरे के लिए यहाँ पर नहीं आई है। वो यहाँ पर आई है हेरिटेज इंडिया के वॉलंटियर बनकर। आपको मैं बता दूं वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है सविता शेट्टी बुजुर्ग लोगों के कॉज के लिए अपने दिल से तन से मन से धन से मदद करती है। और ये करते हुए उसका कहना यही है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ एक मेरी जिम्मेदारी समझ कर कर रही हूँ, मुझे ये करना चाहिए। इसके लिए उसके लिए मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी उनको कहा, उन्होंने कहा नो नो पब्लिसिटी, जबकि हमारे शहर हमेशा चाहते हैं कि पब्लिसिटी हो, वो हमेशा चाहते हैं कि हमारा नाम हो। लेकिन सविता वी आर रियली एक्सेप्शनल, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू एंड थैंक्स टू यू दैट यू आर सपोर्टिंग द कॉज ऑफ नेताजी फ्रॉम योर बॉटम ऑफ हार्ट। हमारे साथ प्रोग्राम में आती है, अभी वो अगले इसी में डिजिटल लिटरेसी पढ़ाने के लिए वो खुद आ रही है। तो ये सविता शेट्टी आज हेल्पेज इंडिया की एक वॉलंटियर बन के यहाँ पर आई है। मैं चाहता हूँ स्नेहल सविता का स्वागत किया जाए, स्वागत करवाइए यहाँ पर। Yes, that is very important. Yes, this is it. Yes. Now I will request all the dignitaries to come here, क्योंकि अभी हम felicitation का program शुरू करेंगे. Snehal, over to you now. We have some people who have contributed to the cause of elderly. And there are some people who are really supporting this cause. There are some people who are active example of productive and healthy aging. तो उनका सत्कार करेंगे सब लोग मिलकर. अच्छा मेरे ख्याल से आप लोग ऐसे आ सकते हो क्योंकि ऊपर के लोगों को दिखेगा नहीं, बैनर भी तो आने चाहिए और इतने नजदीक से नहीं, बीच में ऐसा खड़े रहे कि समथिंग उधर भी ब्लॉक होना चाहिए या आगे। चलो यहाँ पर दिक्कत नहीं बराबर है ना। जोरदार तालियां डॉक्टर भसीन 78 इयर्स ओल्ड हियर ड्यू टू फेलिसिटेट हर। शी इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ प्रोडक्टिव एंड हेल्दी एजिंग हेल्पेज इंडिया की तरफ से। सर सुनी हो गया आप दोनों मिलकर ये देना। थैंक यू। अरे वन मिनट बहुत सारे। सो इट्स अवर प्लेजर एंड ऑनर ऑल्सो टू फेलिसिटेट यू एंड यू आर गिवन अस अ चांस टू फेलिसिटेट यू। ऐसी आप रहो, ऐसी आपकी दुआएं हमारे पास चाहिए। गुड। वन मिनट एक एक सर फोटो दीजिए। दे वांट टू क्लिक एक एक जन जा सर फोटो फोटो घ्यायचे परत इकडे बघा इकडे विकत घ्या आता ना इकडे बघा साहेब इकडे बघा
Look here, look here, sir. Congratulations. He is the best example of action and productivity. Please come, everyone has a look. Chala, don't. Ha, yes, yes. Okay, thank you. आपल्याला इथे अजून एक लाभलेले व्यक्तिमत्व म्हणजे प्रेमाचं प्रतीक अशा आमच्या शारदा मॅडम यांच्या कार्याची सुरुवात इंडिया टुरिझम इथे झाली. उनका पहचान परिचय करने का सौभाग्य मुझे मिला है. विमल जी जयपुर से ग्रेजुएट है और उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ाई किया है. बड़े बड़े भारत के कंपनी में काम किया है और उनका आर्थिक मुनाफा बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया है. मैं कुछ ही कंपनी का नाम लेता हूँ. MRPL बेंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स, बिरला सनलाइट, टाटा से टेलीसर्विसेज, रिलायंस, वो बड़े बड़े कंपनी में उन्होंने काम किया है. लेकिन आज इधर प्रस्तुत है, उन्होंने एम्पेट इंडिया को केयर गिवर का प्रोजेक्ट देने में उन्होंने मदद किया है. केयर गिवर का एक और उद्देश्य है, उसमें ये बुजुर्ग लोगों को अच्छे तरह से एक केयर गिवर देना और केयर गिवर को जो बच्चे हमारे पीछे बैठे हैं उनको एक एम्प्लॉयमेंट देना, दो उद्देश्य है. इसके लिए यह प्रोजेक्ट हम हेल्पिंग इंडिया और टेलीमीडिया दोनों संस्था मिलकर उसका डिजाइन किया है. हमको बहुत खुशी की बात है, विमल जी हमारे साथ है और हमको अच्छा लगता है तो सम्मान करने के लिए बहुत खुशी की बात है. Ma'am. Now Kamala, please on your book, okay? One minute look here. These are very important.
important. This is very, very important. Yes. This is important. अरे पीछे की चेयर्स खाली हैं। एक मिनट माला बंद है। नहीं दिख रही। नहीं दिख रही। जफर मेरे को थोड़ा दे। आ जा आ जा। तू नहीं तो मेरा फ्रेम है। कहाँ से बैठो? आ जा आ जा। हाँ। चलो चलो। चलो चलो। एक्टिंग चालू। एक्टिंग चालू। अवेयरनेस के जो लोगों को होना चाहिए हमारे यू नो बेटर केयर एंड सपोर्ट फॉर द एल्डरली के बारे में एंड ये हेल्पेज इंडिया जो है बहुत ही सेल्फलेस काम करते हैं इस कॉज के लिए एंड दे कीप कंडक्टिंग दीज प्रोग्राम्स टू ब्रिंग अबाउट एन अवेयरनेस इन यू नो विद इन द यूथ एंड फॉर द पीपल एवरीवेयर एंड आई थिंक बेसिक मैसेज ये है कि यू नो आर एल्डरली पीपल नीड टू बी ट्रीटेड बेटर with respect and yes, that correct. Is yeah that yes, is the base of it correct. But tell them a little more about okay. this today is the 1st event. October it's the international day of older person jagatik jyeshtha nagrik din hai or these days to be celebrated we are promoting the productive and healthy aging and at the same time we are also telling the society that we must love and respect our elders and towards this we have conducted this program today on behalf of Helpage India and it is our you know fortune that we have Shamita with us who is always been supporting to the cause of elderly kyunki आज भले हम 21वीं सदी में है लेकिन इसके बावजूद भी बुज़ुर्गों की तरफ देखने का हमारा नज़रिया बदलता जा रहा है आज भी हम कहते हैं कि बुज़ुर्ग अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं लेकिन नहीं
बहुत सारी जिंदगी अभी बची है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन बुजुर्गों के पास एक बहुत बड़ा खजाना है और वो खजाना है उनके नॉलेज और एक्सपीरियंस का। तो व्हाई शुड नॉट वी मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू द सोसाइटी। एंड टुवर्ड्स दैट टुडे वी ऑर्गेनाइज दिस इंटर जनरेशनल वॉकेथॉन वेयर वी हैव दिस टू जनरेशन टुगेदर। वी हैव सीनियर सिटीजन, वी हैव द स्कूल एंड कॉलेज चिल्ड्रेन ऑल्सो, और इसके साथ ही कॉरपोरेट्स के यंग एम्प्लॉयज़ भी है। तो इन दोनों पीढ़ियों को एक साथ लाने का उद्देश्य यही है ताकि दोनों के बीच की जो दूरियां बढ़ती जा रही है वो कहीं ना कहीं तो भी कम करने की कोशिश है। वी वॉन्ट टू रिस्टोर दैट इंटर जनरेशनल बॉन्ड। और शमिता का इसमें योगदान इसीलिए बड़ा है क्योंकि शमिता हमेशा हेल्पेज इंडिया के प्रोग्राम में आती रही है और बुजुर्गों के कॉज के लिए उन्होंने खुलकर आवाज़ दी है। उन्होंने मेनली इन युवाओं में ये बात कही है कि उन्होंने अपने माता पिता या दादा दादी के प्यार मोहब्बत और उनके एहसान को भूलना नहीं चाहिए। और यही बात शमिता हमेशा कहती है कि उन्होंने अपने सभी सीनियर सिटीजन का प्यार और सम्मान करना चाहिए। एब्सोल्युटली, आई फील दैट वी आर हु वी आर बिकॉज ऑफ द लव एंड ब्लेसिंग्स ऑफ आवर पेरेंट्स। दे सैक्रिफाइस्ड अ लॉट फॉर अस, बट जब हमारी बारी आती है यू नो टू टेक केयर ऑफ देम, आई थिंक वी समवेयर फॉल्टर। पता नहीं, आई थिंक विद चेंजिंग टाइम्स वे फॉरगेटिंग आर ओन वैल्यूज़, आर कल्चर। बिकॉज आई थिंक हमारे कल्चर में हमको सिखाया जाता है कि यू नो रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, टेक केयर ऑफ देम, बट हम इतने सेल्फिश हो गए हैं। वी ऑल लीड सच बिजी लाइव्स दैट वी डोंट गिव देम इनफ लव एंड अटेंशन दैट दे राइटफुली डिजर्व एट दिस एज। सो आई थिंक इट्स जस्ट अ बेसिक मैसेज जो हमारे सोसाइटी को देना है कि if you're doing this it is wrong, you have to stop and understand that they're not going to be here for very long, it's your time to give them something back and do it because that is the right thing to do. And at the same time also the younger generation should not forget that one fine day they are also going to be old. Absolutely, that is very important. Or it makes a difference. See, when as a NGO we speak, okay, but when Shamita as a representative of Bollywood when she speaks, it makes a lot of difference. क्योंकि इनकी बातों का असर लोगों में होता है। और शमिता, रियली आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू फॉर स्प्रेडिंग दिस अवेयरनेस, स्प्रेडिंग द मैसेज, दैट इज़ रियली ग्रेट। यू नो हम कहीं ना कहीं तो भी दूर होते जा रहे हैं, हम अपने लोगों से दूर होते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है उसे हम भूलते जा रहे हैं। और यहाँ तक हम ये कहते कि अपने बुजुर्ग या संस्कृति के धरोहर है, यही तो लोग हैं जो हमें पढ़ाते हैं, बताते हैं हमारी संस्कृति क्या है। When we talk about this religion, culture, everything that is passed on from generation to generation through our parents and the grandparents, so that is very important. And that is what this today's 1st October is not only in India but all over the world. It is celebrated as an International Day of Older Person. It is a day to celebrate of age. बुजुर्ग होना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। We have to celebrate this age and we have to say डंके की चोट पे, yes, I am a senior citizen, I am a silver young. That is what people say and that is what we want to portray this. Even some of the senior citizen, उनके दिमाग में भी ये बात कई बार होती है कि अभी सब कुछ खत्म हो गया, okay, we are old. Yeah. But we say, when you say खत्म हो गया, no, it is a beginning of new era. ये सेकंड इनिंग आपकी नहीं है, विच यू कैन हैव अ वेरी प्रोडक्टिव एंड वेरी यूजफुल एंड यू कैन डू अ लॉट टू द कम्युनिटी। एंड दैट इज वाई टुडे वी हैव विथ अस शमिता, वी हैव विथ द सीनियर सिटीजन, वी हैव विथ अस स्कूल कॉलेज स्टूडेंट, वी हैव विथ अस कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, वी हैव विथ अस अ पुलिस, वी हैव विथ अस महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वी हैव एवरीबडी विथ अस। टोटल टुगेदर वी आर क्रिएटिंग दिस अवेयरनेस एंड मेकिंग द डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ दिस सीनियर सिटीजन। ये क्या हम लोग बात कर रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं इसके बारे में? आई डोंट थिंक ये सही प्लेटफॉर्म है इसके बारे में बात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ, तो अपने इंडस्ट्री में बहुत ही सीनियर नाना पाटेकर, आई डोंट थिंक आई रियली वांट टू कमेंट ऑन दैट राइट नाउ, बट आई विल जस्ट से मे बी माय हार्ट जस्ट गोज आउट टू तनुश्री, दैट्स ऑल आई विल से। या सॉरी, कृष्णा राज, well it's very sad and my condolences to the entire family. May her soul rest in peace. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Thank you.